हाँ वहां गए बिल्कुल सही वक्त पे आए तो। अब जो तुम्हारे मन में आए करो, क्योंकि हमें इस बात का एहसास हो गया है एक नौकरानी से मिले पोते और एक खानदानी लड़की से मिले पोते में बहुत फर्क होगा। तुमने सुना नहीं पर फिर भी यहां खड़ी हो। अरे जाओ। सुना नहीं तुमने? रुको थोड़ा जाओ। तुमने सुना नहीं? अब गेट आउट फ्रॉम हियर। खैर ये बड़ी ढीठ लड़की है, जिद्दी है, ये नहीं जाएगी यहां से। एक काम करो सुनो, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, हम इससे बात करते हैं। मुझे भी इसकी शक्ल नहीं दिखती। कृष्णा जी चलिए हम चलते हैं। बाबा अब मैनेज कर लेंगे खुद से। काका ये क्या है, आपने बताया भी क्या, प्लान चेंज कर दिया, हमारी तो जान निकल गई थी। बैठे बात बैठो, मत खड़े रहो, हमारे सामने बैठ रही हो। काका गए वो लोग, अब बस कीजिए ना। और ये क्या था, प्लान नया बनाया और हमें बताया भी नहीं, अकेले ड्रामा किए जा रहे हैं। सुनो, हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे, जो तुमने देखा और सुना बिल्कुल सही सुना। हमें तुम्हारी असलियत पता चल गई है संतोषी, और अब हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। सुना तुमने? बस कीजिए ना काका, अब बस निकलिए कैरेक्टर से बाहर, इतना ड्रामा करेंगे तो हम घबरा जाएंगे। अच्छा सुनिए, बताइए कि आगे का प्लान क्या है। अच्छा हुआ कि सही वक्त पे हमारे आंखें खुल गईं। तुम यहां नौकरानी बनकर आई थी और हमेशा नौकरानी ही रहोगी, समझी कि नहीं? काका आप हमारे काका हैं। शाबाश, अपनी गंदी जुबान पे हमारा नाम मत लाओ। काका तुम्हें क्या लगता है कि जबरदस्ती बनाए हुए रिश्ते आदमी निभा सकता है? नहीं। एक नौकरानी हमारे बेटे की पत्नी नहीं हो सकती, भूल जाओ उसे। अरे बड़ी बेशर्म हो तुम, फिर भी यहीं खड़ी हो। अरे हमने कहा जाओ, बदतमीज हो तुम, ऐसे गेट आउट। बहुत जोर से मार लिया गुड्डू त्रिपाठी, तुम भी ना साला प्यार में बहुत भावुक हो जाते हो, ऐसे तो अपना ही गेम खराब हो जाएगा। आराम से भी तो सर फोड़ा जा सकता है गुड्डू त्रिपाठी। शर्मिली हम जान दे देंगे, शर्मिली शर्मिली हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शर्मिली आओ हमारे पास आ जाओ। अरे शर्मिली ऐसे काहे कर रही हो यार, इतने दिन बाद आए ना हम तुम्हारे पास, ऐसे करोगी? तुम हमारी तरफ देख भी नहीं रही हो शर्मिली। शर्मिली हम तुम्हारे गुड्डू, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। शर्मिली आयोगी काहे डिस्टर्ब कर रहे मियाँ बीबी को है? अरे बहुत नौटंकी करते हो यार तुम है? और तुम्हारी बीवी जो है ना करोड़ों में एक है, है ना? हमें भी ऐसा लगता है पापा। अच्छा ऐसे नहीं मानने वाली हो, एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ काम करना पड़ेगा, जिस वजह से रायता फैला है ना। हाँ फिर से फैला, मत बल दे कि घर छोड़ने का नाटक फिर से कर। अरे एक बार दाना डाल के तो देखो चिड़िया कैसे नहीं चुगे। तुम्हें 6 महीने और यहां रुकने हैं ना, तो देखो अब तुम्हारे 6 महीने कैसे बीतेंगे यहां। तुम्हारी मर्जी, ये रोज यहां बेइज्जत होना चाहती हो या चुपचाप खुद यहां से चली जाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें जो लेके आए थे ना
वो अब तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और अगर प्रार्थना करनी है ना तो अपनी मां से प्रार्थना कर लो। क्या है, या तो पहले तुम्हारा रिश्ता टूटेगा या तो फिर तुम्हारी हड्डियां। ये लड़ाई हमारे सिंदूर के लिए है, इसलिए हम इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। इतना सब कुछ होने के बावजूद घर से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तृष्णा, टूटे हुए मनोबल से रिश्ते नहीं जुड़ते। अब संतोषी अकेली है, बिल्कुल अकेली। सब कुछ तो छीन चुका है इसका। ऐसे इंसान को रास्ते से हटाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस तुम देखती जाओ। गुड्डू बेटा, छोटी एकदम सही कह रही है। कहाँ घर छोड़ने की बात कर रहे हो, तुम इस घर के बड़े बेटे हो बेटा, कहाँ जाओगे? ऐसे ऐसे बातें नहीं करते। अरे शर्मिली बहू, तुमने सुना, गुड्डू जा रहा है। अम्मा छोड़ दो, अम्मा हम जा रहे हैं। अम्मा हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा है शर्मिली बहू। लगता है ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, पर अब बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा, वरना नाक कट जाएगी गुड्डू बेटा। अम्मा हम जा रहे हैं, अम्मा इस बार हम फाइनल बोल रहे हैं, अम्मा तुम्हारा गुड्डू जा रहा है। अरे छोड़, एक भी प्यार और जाने की बात थी ना तो फिर मार मार के टांगे तोड़ देंगे, बता। अरे शर्मिली, तुम्हारे प्यार का दर्द मीठा मीठा शर्मिली। कितनी रात को कौन है? जो भी हो कहीं उसने हमें देख ना लिया हो। रात के 12 बजे कौन हॉल में ठहर रहा है? कुछ तो कर पड़ो। कृष्णा की माँ, ये रात को जाती कहाँ है? आज हम इसका सच जान करेंगे। गौ माता, आप अपनी दृष्टि क्षण भर के लिए भी हटाइएगा मत। ध्यान रहे, ये आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। ये सही रहेगा। मेरे बॉडी इनके सबूत में काम आ सकता है। संतोष, बहुत साक्ष्य जुटा रही हो ना तुम, बस थोड़ी देर ही शेष है, उसके पश्चात हम तुम्हें तुम्हारा दंड अवश्य देंगे। तुम्हें सिद्धि मिलने में बस एक दिन और बचा है, कल तुम्हारी 1008 आहुतियाँ पूरी हो जाएंगी और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब कुछ और दिन मुझे कृष्णा की माँ बन के रहना होगा। तो हमारा शक सही निकला, ये कृष्णा की माँ नहीं है। देखो कौन है वहाँ जो हमारे अनुष्ठान में विघ्न डाल रहा है।